हर कोई जानना चाहता है कि घर पे परफेक्ट पिज्ज़ा कैसे बनाए। मैं हूँ साइमा, मैं आज आपको बताऊंगी पिज्ज़ा के बारे में हर वो चीज़ जो आप जानना चाहते हैं। तो पिज्ज़ा में तीन मेन चीज़ें होती हैं, पिज्ज़ा डो, पिज्ज़ा सॉस और पिज्ज़ा टॉपिंग्स, जो मैं आज कवर करूंगी। और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ओवन में और ओवन के बग़ैर आप पिज़्ज़ा को बेक कैसे कर सकते हैं अपने घर में। तो सबसे पहले पिज्ज़ा डो। पिज़्ज़ा डो बनाने से बहुत से लोग घबराते हैं, मगर वो उतना ही आसान है जितना कि आप घर पे आटा गूंथते हैं रोटी के लिए। तो पहले आप रेसिपी देखें पिज़्ज़ा डो बनाने की, फिर उसके बाद मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी जिससे आप हर दफ़ा परफेक्ट पिज़्ज़ा डो बना सकते हैं। अब आपने पिज़्ज़ा डो की रेसिपी देख ली। सबसे पहले हम यीस्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं। यीस्ट को जिस पानी में हमें एक्टिवेट करना है, वो पानी हमेशा नीम गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म, क्योंकि ठंडे पानी में यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगा, गर्म पानी में इट विल किल द यीस्ट। आजकल मोस्टली लोग इंस्टेंट यीस्ट यूज़ करते हैं। इंस्टेंट यीस्ट आपको इस तरह के साशेज में ईजीली मिल जाता है। ये साशेज आप ये जहन में रखें कि जब आप इस्तेमाल करते हैं और बच जाता है तो आप उसको सही से टाइटली बंद करके रखें। अगर ये खुला रह जाएगा तो ये डेड हो सकता है। और मगर जब हम ये स्टेप करते हैं कि हमने उसको पानी में डाला, शुगर के साथ हम उसको डाल के एक्टिवेट कर रहे हैं, तो बबल्स बनते हैं। अगर बबल्स आपके यीस्ट में नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब है आपका यीस्ट सही नहीं है, एक्सपायर्ड है या ख़राब हो गया है। तो इस स्टेप से आपकी आगे की पूरी मेहनत बच जाती है, आपको यहीं पर ही पता चल जाता है कि आपका यीस्ट सही है और आगे आपका डो सही बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यीस्ट वाले पानी के साथ आप बकिया इन्ग्रीडियंट्स को डाल के आप आटा गूंद लें, और जो मज़ीद पानी की इसमें ज़रूरत पड़ेगी याद रहे वो आपको नीम गर्म ही लेना है। डो को कम से कम 10 से 12 मिनट गूंदना है, और अगर आपका डो नरम हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं और फिर उसको थोड़ा फर्म बनाना है। डो आपका फर्म होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। जो डो तैयार हो गया है उसको अब हमने प्रूफिंग के लिए रखना है। प्रूफिंग क्या है? प्रूफिंग ये है कि आप उसको थोड़ा रेस्ट देंगे डो को, वो आपका डो फूलेगा, उसमें एयर पॉकेट्स बनेंगे, वो फूल के अपने साइज़ से डबल साइज़ हो जाएगा। तो प्रूफिंग के लिए बहुत बेहतर होता है कि हम उसको एक किसी वार्म जगह पे रखें, गर्म जगह पे रखें, मतलब टेम्परेचर वहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि आपने किसी कैबिनेट में रख दिया, या आपने जो आपके माइक्रोवेव, खाली माइक्रोवेव चलाना नहीं है माइक्रोवेव को, मगर खाली माइक्रोवेव में अंदर रख दिया ताकि उसको एक वार्म इन्वायरमेंट मिलेगी तो वो सही से जल्दी रेज हो जाएगा। अगर आप किसी ठंडी जगह पर रहते हैं या टेम्परेचर वैसे ठंडा है आप उस तरफ, तो फिर आप ये कर सकते हैं, फिर ये होगा कि प्रूफिंग का टाइम बढ़ जाएगा। नॉर्मली वार्म जगह पे आपका 1 से 1.5 घंटे में डो रेज हो जाएगा। अगर आप ठंडी जगह है तो फिर टाइम बढ़ सकता है, 1.5 घंटे से 90 मिनट से बढ़ सकता है, 2 घंटे में रेज हो सकता है। जब आपका डो डबल द साइज़ हो गया, प्रूफिंग हो गई है, तो उसके बाद आप उसको दोबारा से नीट करेंगे, इसको गूंद लेंगे। कम से कम 2 मिनट आप उसको गूंद लें। इस स्टेप पे ये होगा कि अब आप अगर इसको स्टोर करना चाह रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए, तो आप इजीली इसको फ्रिज में स्टेम रैप लगा के बोल में आप इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हैं। और अगर उसी वक्त यूज़ करना है तो आपने इसको फिर दोबारा आधे घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए रखना है। प्रूफिंग के बाद आप जिस शेप में इसको शेप करना चाहें, स्क्वायर बनाना चाहते हैं, राउंड बनाना चाहते हैं, आप उसको उस तरीके से शेप कर लें। शेप करने के लिए मोस्टली हाथ से वर्क करें तो बहुत अच्छा रहता है, टेक्सचर अच्छा रहता है। मगर आप रोलिंग पिन भी यूज़ कर सकते हैं, उसको सही से गोल बनाने के लिए रोलिंग पिन भी यूज़ हो सकता है।
अब जो डो आपने रेफ्रिजरेट किया है उसके लिए यह है कि उसको जब आपने यूज़ करना है तो उसको आप एक घंटा कम से कम आप बाहर निकाल के रख दें ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद आपने उस पर जो आपकी टॉपिंग्स लगानी है जो करना है वो फिर आप उसके बाद करें। आई होप के पिज़्ज़ा डो से जो रिलेटेड आपके कंसर्न्स थे उनको हमने सही से एड्रेस कर लिया है। जब हमने डो को शेप अप कर लिया है राउंड में या स्क्वायर में या जो भी आपकी मर्ज़ी का हो, उसके बाद आपने उसको पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। पिज़्ज़ा सॉस बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाएं कि पूरा आपका पिज़्ज़ा से वो बाहर निकलने लगे, तो बिल्कुल बीच में आपने उसको अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। फिर आप अपने चिकन उसमें डालें, आपकी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स उसमें डालें, टॉपिंग्स जो आपको पसंद है, जो आपके घर वालों को पसंद है वही सबसे बेस्ट हैं। लास्ट में चीज़ है, चीज़ की अभी तक हमने कोई भी रेसिपी शेयर नहीं किया है, तो चीज़ में यह है कि हम रेडीमेड ही यूज़ करेंगे, तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी चीज़ अवेलेबल है। हम मोस्टली एडम्स यूज़ कर रहे होते हैं, एम्बॉग यूज़ करते हैं, डीन्स की चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो लोकली अवेलेबल हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ का काम है, वो स्ट्रेच देता है आपके पिज़्ज़ा में, जो स्ट्रेच आता है वो मोज़रेला चीज़ से आता है। चेडर चीज़ फ्लेवर बहुत अच्छा देता है, तो दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए और फिर आपकी अपनी प्रेफरेंस पे है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेची चाह रहे हैं या फिर आप फ्लेवर चाह रहे हैं। अब जब हम बेकिंग पे आते हैं तो बेकिंग के लिए सबसे पहला स्टेप आपका आता है कि अगर आप, मैं पहले सबसे पहले ओवन की बेकिंग का बता रही हूँ आपको, आपने अपने ओवन को प्री हीट करना है। प्री हीट क्या होता है? प्री हीट ये होता है कि जिस टेम्परेचर पे आपने पिज़्ज़ा को बेक करना है उस टेम्परेचर पर आपने पहले से अपने ओवन को लेके आना है। ये नहीं है कि आपने ओवन ऑन किया और उसमें पिज़्ज़ा डाला और फिर उसको टेम्परेचर बना दिया आपने उसके लगाया। आपने ये करना है पहले जिस टेम्परेचर पे आपने, जैसे 180 डिग्रीज़ है या 200 डिग्रीज़ है, इस पर आपने अपने ओवन को ऑन किया और उसको कम से कम 20-30 मिनट आपने इसको खाली, उसको गर्म होने देना है। ये प्री हीटिंग है। इसके बाद जब ये बिल्कुल अपने टेम्परेचर पे आ जाए तो आप इसमें अपना पिज़्ज़ा रखेंगे। पिज़्ज़ा को बेक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, डिपेंड करता है साइज पे, मगर मैक्सिमम 8 से 10 मिनट में बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बेक हो जाता है। पिज़्ज़ा पे अच्छा कलर लेके आने के लिए आखिर के 2 मिनट जो है वो आप अपनी ऊपर वाली ग्रिल ऑन कर लें ओवन की, तो ऊपर से बहुत अच्छा नाइस ब्राउन कलर आ जाएगा। पिज़्ज़ा ओवन में बेक होता है मगर उसको विदाउट ओवन बेक करने के भी कुछ हैक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें पहला ये है कि जो बहुत आजकल कॉमनली हो रहा है कि पॉट में उसको बेक करना। पॉट में हम लोग जो तरीका हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है वो ये है कि आपने एक बड़ा डीप वाला पॉट लेना है, जो थिक बॉटम पॉट हो। कोशिश करेंगे पतीला आप अपना कोई पुराना पतीला उठा लें, क्योंकि हो सकता है कि नया अगर आपने उसका कलर ख़राब हो सकता है, तो पुराना यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। डीप हो और उसका थिक बॉटम हो, यानी मोटा हो नीचे से, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस पतीले में आप नमक डालेंगे, नमक एक थैली आप डालें इसमें, उसको अच्छे से फैला दें। नमक जो है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का, वो अपने अंदर हीट को रिटेन रखता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जब आप इस सॉल्ट वाले पॉट में जब बेकिंग करेंगे तो वो आपकी इक्वली हर जगह पे हीट जाएगी और आपका जो बेकिंग का रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। सॉल्ट इसलिए कि सॉल्ट बहुत ईजीली अवेलेबल है, हाइजीनिक भी है, इसके ऑल्टरनेट्स भी हैं। हम रेत भी यूज़ कर सकते हैं, हम छोटे वाले जो पत्थर होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर वहाँ पे हाइजीन का इशू आता है, तो सॉल्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर दिस मेथड। अब इस पे आप एक मेटल रैक रखेंगी और इसको ढककर आपने कम से कम 15 मिनट इसको तेज़ आंच पे प्री हीट करना है। इस मेथड में भी हम इसको पहले प्री हीट करेंगे फिर बेकिंग करेंगे। अब आप इसमें अपना पिज़्ज़ा रखें, क्यों जब आप ढक्कन हटाएंगी तो पॉट बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो आप मेक श्योर कि आप ग्लव्स पहनें और फिर वो रखें, ताकि सेफ्टी हमेशा पहले आती है। आपने वो रखा, अब जितना टाइम आप नॉर्मल बेकिंग ओवन में आपको चाहिए इतना ही टाइम इसमें रिक्वायर्ड होता है, मगर आप इसको देख सकते हैं क्योंकि ऊपर से अगर शीशे का ढक्कन है तो आप आराम से देख सकते हैं कि वो आपका चीज़ मेल्ट हुआ है या नहीं। इस मेथड में एक चीज़ है कि ऊपर से ब्राउन जो कलर आता है वो नहीं आएगा, सिर्फ चीज़ मेल्ट होगा। तो ये जहन में रखें कि ये फ़र्क विदाउट ओवन और विद ओवन का फ़र्क इसमें ये आता है। दूसरा मेथड बहुत ही सिंपल है, आप फ्राइंग पैन में उसे बना सकती हैं। आपने अपने पिज़्ज़ा को, जब डो को आपने शेप कर दिया, जिस साइज़ का आपका पैन है उस साइज़ का आप उसको शेप कर लें। पहले आपने एक साइड उसका पकाना है, कम से कम 1 मिनट वो पकेगा, 1-2 मिनट के हल्का सा वो ब्राउन हो जाए, फिर उसको आप पलट दें। फिर आपने अपनी पिज़्ज़ा सॉस उस पर स्प्रेड करनी है और फिर टॉपिंग्स रखनी है, चीज़ डालना है
और उसको ढककर तब तक उसको पकाना है हल्की आंच पे जब तक कि चीज़ मेल्ट हो जाए। इस मेथड में यह है कि ये आपको लगेगा कि आपने पैन में बनाया हुआ है, आपको वो बेकिंग वाला इफ़ेक्ट नहीं आएगा, मगर हाँ ये एक क्विक मेथड ज़रूर है। अगर आपने जल्दी में सुबह में बनाना है तो बहुत इजीली आप बना सकती हैं, और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो फिर ये एक और अच्छा हैक है कि आप अच्छा पिज़्ज़ा अपने बच्चों के लिए या घर वालों के लिए आप बनाएं। आखिर में मैं ऐड करती चलूँ कि हमारी हमेशा कोशिश होती है कि लोगों के पास जो घरों में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे वो कैसे बेस्ट चीज़ बना सकते हैं, हम वो आप लोगों को सिखाएं। अब हमने तो आपको पिज़्ज़ा के बारे में A to Z बता दिया कि आप कैसे बना सकती हैं, अब आप अपने किचन में जाएं, पिज़्ज़ा बनाएं अपने घर वालों के लिए ताकि वो भी आपको कह सकें अरे वाह।